रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 देशी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस समेत फॉर्च्यूनर वाहन जब्त किया गया है। आपको बता दें, 3 आरोपी राजस्थान के निवासी हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीआरआई की रीजनल यूनिट रायपुर को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ राजस्थान पासिंग गाड़ी पर अवैध गांजा लेकर के घूम रहे हैं, जिसकी सूचना पर हमारे साथ टीम बना करके जब कार्रवाई की गई तो वहां से आर्म्स निकले, कुछ तलवार निकले और जिंदा कारतूस निकले, जिस पर उनसे पूछताछ करने पर जोधपुर राजस्थान का होना बताया और अपने साथ हथियार और उक्त कारतूस को राजस्थान से लाना बताया। उनके विरुद्ध डीडी नगर थाने में आम सेक्टर के तहत कार्रवाई की गई है, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई रायपुर की टीम है, उसको सूचना मिली थी कि राजस्थान पासिंग की गाड़ी में कुछ लोग जो है डीडी नगर क्षेत्र में गांजा तस्करी कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने ये सूचना जो है यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो रायपुर है उनको दी थी। उन्होंने जो है फिर एक क्राइम ब्रांच की टीम को इसके लिए लगाया था। फिर क्राइम ब्रांच और डीआरआई की टीम द्वारा संयुक्त रूप से उस गाड़ी को जाकर पकड़ा गया और गाड़ी को जब चेक किया गया उसमें गांजा तो नहीं मिला, लेकिन उसमें 2 कट्टे और 3 जो है तलवार जब्त किया गया और इसके विरुद्ध जो है फिर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई थाना डीडी नगर में की गई है और 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है।